Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 12, A Little, A Few. First of all, I read this box, so please listen it carefully. First is, there was a little milk in the pot. A little yani ki thoda sa. और सेकेंड इज देर वर अ फ्यू पेंसिल्स इन द बॉक्स यानी कि कुछ पेंसिल्स बॉक्स के अंदर थी. नाउ वी विल सी लर्न अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यानी कि कुछ क्वालिटी में होती है. इट इज़ यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स जो भी नाउन्स होते हैं वो गिने नहीं जाते उसके साथ अ लिटिल यूज करते हैं लाइक वाटर राइस शुगर एक्सेट्रा. A few means a small number of यानी कि कुछ जैसे मैंने आपको literal meaning बताया कि few यानी कि कुछ तो it is used with countable plural nouns जो भी countable plural nouns होते हैं उसके साथ ये use होता है जैसे कि books, table, houses, etc. आपको ये याद रख लेना है book भी सामने रखनी है. अब हम exercise भी देख लेते हैं. Exercise 1 Filling the blanks with a little or a few correctly. अब यहाँ पर blanks दी गई है उसमें हमें correctly a few or a little fill करना है according to our sentence. First is there are dash roses in my garden. अब roses क्या है? Countable noun है तो उसके आगे क्या आएगा? A few. तो यहाँ पर आएगा there are a few roses in my garden. सेकेंड इज ही कैन गिव यू डैश हनी. अब हनी को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है इसलिए आएगा अ लिटल. तो ही कैन गिव यू अ लिटल हनी. थर्ड इज दे हैव डैश बॉटल्स ऑफ हनी. अब हनी को हम काउंट नहीं कर सकते पर उसकी बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आएगा फ्यू. दे हैव अ फ्यू बॉटल्स ऑफ हनी यानी कि उसके पास कुछ हनी की बॉटल्स थी. फोर्थ इज ही नोज डैश संस्कृत. अब संस्कृत एक लैंग्वेज है हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो इसमें आएगा अ लिटिल संस्कृत उसे थोड़ी सी संस्कृत पता है. फिफ्थ वन इज ही नोज ओनली डैश पीपल इन दिस विलेज. अब हम पीपल को तो काउंट कर सकते हैं तो वो कुछ ही लोगों को जानता था गाँव में से तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू. नेक्स्ट इज She often takes dash juice in the morning. अब juice क्या है उसे हम count नहीं कर सकते वो liquid होता है तो यहाँ पर आएगा a little juice in the morning. Next is Ram often gives that poor man blank money every week. अब money को हम count कर सकते हैं कि हम 100 दे रहे हैं 200 दे रहे हैं तो उसे हम count कर सकते हैं तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू. तो इस तरह सेंटेंस बनेगा राम ऑफन गिव्स दैट पुअर मैन अ फ्यू मनी एवरी वीक. एट वन इज आई हैव रीड ब्लैंक पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. अब विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट है एक राइटर है तो उसने कुछ बुक्स रीड कुछ पोएम्स रीड की है विलियम वर्ड्सवर्थ की तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू क्योंकि हम पोएम्स कितनी रीड करते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं इसलिए आएगा अ फ्यू. नाइन्थ वन इज शैला वांट्स जस्ट ब्लैंक मिल्क टू मेक टी. अब उसे मिल्क चाहिए तो मिल्क भी लिक्विड है उसे हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए आएगा अ लिटिल मिल्क टू मेक टी. लास्ट इज प्लीज गिव मी ब्लैंक ग्लून्स ऑफ पेट्रोल. तो अब पेट्रोल भी अनकाउंटेबल है इसलिए आएगा अ लिटिल. तो लास्ट सेंटेंस इस तरह बनेगा प्लीज गिव मी अ लिटिल ग्लून्स ऑफ पेट्रोल. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2 आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग अ फ्यू और अ लिटिल करेक्टली. अब यहाँ पर भी हमें अ लिटिल और अ फ्यू को करेक्ट जगह पर लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एग्जांपल्स. हाउ मच कॉफ़ी डू दे हैव. तो आपको पता है जब भी कोई अफर्मेटिव या कोई पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट आगे आता है तो यहाँ पर आएगा दे फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इसलिए आएगा हैव
फिर दे हैव अ लिटल कॉफ़ी. अब हम कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आएगा अ लिटल. एंड द सेकेंड वन इज हाउ मैनी सेंटेंसेस डू यू राइट एवरी डे. अब आप दिन में कितने सेंटेंसेस लिखते हो, तो यहाँ पर आंसर आएगा आई से शुरू होगा क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है. और फिर आएगा राइट अ फ्यू सेंटेंसेस एवरी डे. हम कितने सेंटेंस लिखते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए आएगा अ फ्यू. नाउ वी विल सी फर्स्ट हाउ मैनी न्यू बुक्स डज ही हैव. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आएगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, ही हैव. अब बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आएगा अ फ्यू न्यू बुक्स. उसके पास कुछ न्यू बुक्स थी. सेकेंड वन इज हाउ मच शुगर इज देयर इन दैट पोट. तो शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आएगा देयर इज अ, यानी कि वहाँ पर अ लिटिल शुगर इन दैट पोट. थर्ड वन इज हाउ मच बटर डू दे नीड एवरी मंथ. अब बटर भी एक थिंक है पर हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा दे नीड अ लिटिल बटर एवरी मंथ. फोर्थ इज हाउ मैनी टॉयज डज दैट मैन सेल एवरी डे. अब वो रोज कितने टॉय बेचता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दैट मैन, तो यहाँ पर आएगा दैट मैन. और शेल का सेल्स हो जाएगा क्योंकि ही है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये तो हमने सब पहले ही देख लिया है, इसलिए यहाँ पर पीछे एस ऐड होगा. तो दैट मैन सेल्स अ फ्यू टॉयज एवरी डे, क्योंकि टॉयज को हम काउंट कर सकते हैं. अब मैं आपको एक और क्ल्यू दे दूं कि यहाँ पर देखिए आप हाउ मैनी देख रहे हो, उसके हाउ मैनी यानी कि कितने, तो हम जिसे काउंट कर सकते हैं उसमें ही हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं. तो जब भी हाउ मैनी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप अ फ्यू यूज़ करेंगे, और हाउ मच आए तो अ लिटिल होगा. ये एक क्ल्यू है जो आपको हिंट दे सकता है कि कहाँ पर अ फ्यू आएगा और कहाँ पर अ लिटिल आएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है. फिफ्थ इज हाउ मैनी बनानास डू दे वॉन्ट. अब यहाँ पर हाउ मैनी है यानी कि कितने बनाना, तो हम बनाना को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी अ फ्यू के रिलेटेड ही सेंटेंस बनेगा. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, तो दे वॉन्ट अ फ्यू बनाना, उन्हें कुछ बनाना चाहिए. सिक्स्थ वन इज हाउ मच मिल्क इज देयर इन दैट जग. उस जग में कितना मिल्क था, तो देयर इज, अब हाउ मच से बना है इसलिए अ लिटिल आएगा, और मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अ लिटिल मिल्क इन दैट जग. हम बता नहीं सकते कि उसमें कितना जग था, इसलिए थोड़ा सा था, तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दैट जग. सेवेंथ वन इज हाउ मैनी किलोमीटर्स डू यू वॉक एवरी डे. अब हम किलोमीटर्स को काउंट कर सकते हैं कि हम कितना किलोमीटर्स दिन में चलते हैं, तो आई वॉक अ फ्यू किलोमीटर्स एवरी डे. अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ मैनी है. एंड द एट्थ वन इज हाउ मैनी शर्ट्स डज दैट टेलर स्टिच एवरी डे. अब स्टिच यानी कि सिलना, मैंने यहाँ पर लिखा है उसका हिंदी मीनिंग भी और उसका इंग्लिश सिनोनिम भी मैंने लिखा है कि यहाँ पर होगा सीम, तो उसका अर्थ होता है सिलना. तो टेलर्स दिन में कितने शर्ट सिलता है, इस तरह है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, दैट टेलर. तो दैट टेलर स्टिचेस आएगा अगेन, क्योंकि टेलर ही या शी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए ही शी इट में पीछे एस या ई एस ऐड होता है, तो यहाँ पर भी ई एस ऐड होगा. तो दैट टेलर स्टिचेस अ फ्यू शर्ट्स एवरी वीक. यहाँ पर भी हम वो वीक में कितने शर्ट स्टिच करता है वो गिन सकते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा अ फ्यू, क्योंकि शर्ट स्टिच करने से हमें पता चलता है कि वो कितने शर्ट है वो स्टिच करता है, तो दैट इज काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3 फीलिंग द ब्लैंक्स विथ अ लिटिल और अ फ्यू. अगेन हमें क्या करना है कि अ लिटिल और अ फ्यू के साथ हमें जो ब्लैंक्स है उसे फील करना है और उसे करेक्टली फील करना है, ठीक है. फर्स्ट इज
देयर इज ब्लैंक जैम इन दैट बॉटल. अब बॉटल में कितना जैम है वो हम गिन तो नहीं सकते, तो यहाँ पर भी आएगा अ लिटिल. सेकेंड वन इज आई हैव अ फ्यू वेरी शार्प नाइव्स. नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स, तो उसके पास कुछ शार्प नाइव्स थे, तो यहाँ पर जो नाइव्स होते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आएगा अ फ्यू. थर्ड वन इज देयर इज अ लिटिल वाटर इन दैट ग्लास. अब वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, ये हमने आगे देख लिया था, इसलिए यहाँ पर भी आएगा अ लिटिल. फोर्थ वन इज आई कैन गिव यू अ फ्यू चेयर्स टुडे. अब हम किसी को चेयर देते हैं तो हम गिन के देते हैं, तो चेयर इज अ काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर आएगा अ फ्यू. फिफ्थ वन इज आई हैव अ फ्यू न्यू कार्स टू सेल. मेरे पास कुछ नई कार है सेल करने के लिए, तो कार्स इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर भी आएगा अ फ्यू. सिक्स्थ वन इज अ फ्यू ऑफ हिज आंसर्स वर राइट. अब हम कभी आपको क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने अगर आपको 5 क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें से आपके कितने आंसर्स जो हैं वो राइट होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसलिए आएगा अ फ्यू. अ फ्यू ऑफ हिज आंसर्स वर राइट. नेक्स्ट वन इज ही डिजर्व्स अ लिटिल हेल्प नो डाउट. यहाँ पर हेल्प भी अनकाउंटेबल है, इसलिए आएगा अ लिटिल, उसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है. Eighth one is and the last one is the doctor told him to eat a few bread. अब bread is countable noun, इसलिए यहाँ पर आएगा a few. डॉक्टर ने उसे कहा है कुछ ब्रेड खाने को, तो यहाँ पर इसलिए आएगा a few. आज हमने ये जो एक्सरसाइज की है वो आपको हमारी ग्रामर बुक में नोट कर लेनी है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी गुड बाय.